प्राचीन कला और संस्कृति के बारे में देखिए, प्रारंभ हमने सिंधु घाटी सभ्यता से किया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव ने जो विकास किया था कला के रूप में और उनकी जो सभ्यता डेवलप हुई थी पूरा, तो कला में उन्होंने कई निर्माण हुआ था। जैसे शुरुआत अगर आप देखेंगे तो नगर विकास, मतलब नगर का उनका जब विकास हुआ तो एक बड़ी बड़ी इमारतें उन्होंने बसाई थी। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कितने मंजिला था, दो मंजिला मकान बनाया था, ठीक है। तो मकान का जो आधारभूत संरचना थी ये भी उनकी कला के तहत आ गया, ठीक है। मकान और वही डिजाइन जो मकान उन्होंने शुरुआत की थी उस सभ्यता से, वही आज भी इसी मतलब ये सभ्यता चलती आ रही है, वो उनका आधार था देने का। उसके बाद उन्होंने विकास किया मूर्ति से, मूर्तियां जो मूर्ति कला थी वो मिट्टी की मूर्ति बनाया उन्होंने, पत्थर की मूर्ति बनाया उन्होंने और धातु की मूर्ति। इसका विकास उन्होंने बनाया, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति। तो उन्होंने जो देखिए पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति ये उनके कला का सबसे चरम विकास था उस समय का, जो पत्थर की मूर्ति बनाया और धातु की मूर्ति बनाया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी खुदाई के दौरान मिली है धातु की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति, ये अलग अलग जगह से कई जगह से मिली है, जैसे हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से मिली है आपका, और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी भाग। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विकास कर रही है, और दक्षिण में अहमदनगर, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, अहमदनगर जिले में। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति का सबसे विकास मतलब तो दैमाबाद से उनकी पीतल की बनाई है और तांबे की बनाई हुई जो मूर्ति है, एक मूर्ति जो उन्होंने बनाई है जानवर की मूर्ति है वो बैलगाड़ी है। हमें का प्रश्न आया है कि बैलगाड़ी की जो क्या कहते हैं कला है, मूर्ति कला है, वो किस जगह से होती है, दैमाबाद से। बैलगाड़ी की मूर्ति ये आपको दैमाबाद महाराष्ट्र से मिलती है और ये बनी हुई है पीतल की। कभी कभी कांसे की बात आ जाती है, कांसे का भी, लेकिन ज्यादातर पीतल का बना हुआ मिला है ये बैलगाड़ी की मूर्ति, ये दैमाबाद से। इसमें जो मूर्ति बनाई गई थी इसमें एक मानव रथ चला रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाद में तो रथ का आविष्कार हुआ ही, रथ का चित्रण तो हम पुराने काल से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको कला के रूप में देने की बात जो थी ये सिंधु घाटी। देखिए कोई भी जो कलाकार है वो जैसी, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के बाल है कि नहीं, सवाल ये नहीं है कि उनके बाल है कि नहीं, लेकिन एक कलाकार जैसी मूर्ति बना देता है आगे चल के उसी को आधार मान लिया जाता है और उसी तरीके से ज़्यादातर मूर्ति बनती रहती है, ठीक है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो कला की जो मूर्ति, एक मूर्ति आपको हमने मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र है वहाँ से कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है नर्तकी की, ठीक है। तो वो जिस क्या कहते हैं जिस तरह मतलब दिशा में उसको दिखाया गया है बनाते हुए,
आगे चल के वैसे ही शिव जी की नटराज की मूर्ति, ठीक है, शिव की नटराज की जो मूर्ति है उसका भी इसी तरीके से बना है, ये जो क्या कहते हैं कांसे की। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं यही इनका कला है, ठीक है, ये कला का विकास उन्होंने अपने मूर्ति में, अपने इमारत में, अपनी नगर योजना में, इसका सारा विकास उन्होंने यही इनकी कला और संस्कृति है। और इसी से क्वेश्चन भी आते हैं ज्यादातर मूर्तियां तो बहुत, देखिए पहला ही क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सर्वाधिक मूर्ति किसकी बनी हुई थी, मतलब पुरुषों की बनी कैसे ऑप्शन रहेगा, पुरुष स्त्री देखिए और जानवर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मानव में देखा जाए तो सर्वाधिक स्त्री की मूर्ति, ठीक है, सर्वाधिक, और अगर जानवर में देखा जाए तो कुबड़ वाला ग्रह है, ठीक है। ये हमेशा लोग क्वेश्चन पूरा कंफ्यूजन करते हैं, मूर्ति तो कुबड़ वाले ग्रह की बनी है लेकिन जो मोहर मिली हुई है मोहर में गेंदे की है, ठीक है, मोहर में गेंदे की मूर्ति बनाई है, एक सींग, मतलब एक सींग वाली मूर्ति सर्वाधिक बनाई है। तो ये अलग क्वेश्चन है कि मोहर में किस जानवर की सर्वाधिक मूर्ति मिलती है, तो वो तो आंसर हो गया गेंडे की, और जानवर की जानवर की बनाया है तो वो हो गया है कुबड़ वाला बैल की मूर्ति। आगे चल के देखिए कला का और भी विकास हुआ, ठीक है, सभ्यता आगे बढ़ी, जब भी विकास हुआ, जब धातु का आविष्कार होता गया, लोहे का आविष्कार हुआ, तो हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद काल बड़े बड़े नगर का विकास हुआ, बड़े बड़े नगर का विकास हुआ, और उसके बाद व्यापार विकास भी हुआ, क्योंकि उसी समय सिक्के भी चलने लगे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिक्के भी चलने लगे। तो विकास के लिए देखिए नगर का विकास तभी संभव है, शहरी का तो हुआ ही, व्यापार भी हुआ, और व्यापार का माध्यम जो जानवर उस समय मतलब थे, जब उनको रोका गया, अहिंसावादी जब विचारधारा आई, जैन धर्म बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ, तो व्यापार का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और व्यापार का संबंध विकास से फिर कला का हुआ। तो धीरे धीरे जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ पे हम कला का विकास कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक संरचना, मंदिर तो बाद में बना लेकिन स्तूप पहले बना, हमेशा देखिए क्रम में पूछा जाता है कि पहले क्या बना और बाद में क्या बना, मंदिर पहले नहीं बना, स्तूप पहले बन गया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, देखिए बुद्ध के समय नहीं बना स्तूप, महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक कोई स्तूप नहीं बना, क्योंकि स्तूप का जो उद्देश्य था वो था कि मृत व्यक्ति के ऊपर ही जो क्या कहते हैं कोई संरचना बनाई जाए, उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं स्तूप बोलते थे। कोई भी इनके मतलब आदमियों के लिए भी होता था कि मतलब बौद्ध है और अगर आम है, मतलब कोई गुरु या ऐसे कुछ नहीं है, तो उन पर भी ऐसे स्तूप बनते थे? नहीं, ये सिर्फ देखिए बौद्ध धर्म में ही होगा, जैन धर्म नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म में ही आम लोगों के लिए, जैसे बौद्ध एक धारण कर लिया मतलब नॉर्मल इंसान, जैसे हम लोग किसी चीज, अब जैसे हम लोग हिंदू धर्म के हैं तो हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, अब हमारे जैसे कोई आचार्य वगैरह हो ऐसी चीजें, तो क्या ऐसा केवल उनके गुरुओं के ऊपर ऐसा बनता था इसको वगैरह कि नॉर्मल इंसान के लिए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, शुरुआती तौर पे जो स्तूप बनता था वो शुरुआत तो किया गया कि जो बौद्ध धर्म है उनके जो अनुयायी है, ठीक है, उसी पे स्तूप बनना शुरू हुआ। लेकिन जब हम मौर्य वंश पढ़ते हैं तो मौर्य वंश में लिखा है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, तो हर इतने तो बौद्ध धर्म के अनुयायी वो मिले नहीं, इतने तो मिले नहीं, तो हर वो जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता था, एक परंपरा हो गई थी कि उन्हीं के अनुयायी के विरुद्ध के बाद स्तूप बनने लगे, और पहले जो स्तूप बनते थे वो स्तूप का हम भी आपको बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पे स्तूप क्यों बना। देखिए ये स्तूप को या चैत, इसको चैत भी कहते थे, और इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ऋग्वेद में व्याख्या की गई है कि स्तूप या चैत क्या है, चैत क्या है, चैत मतलब होता है चिता संबंधी,
यानी चिता के ऊपर जो स्मारक बना जाए, ठीक है, चिता संबंधी। तो जब महात्मा बुद्ध की देखिए मृत्यु हो गई, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, तो एक पुस्तक है महापरिनिर्वाण सूत्र, उसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनको 8 हिस्से में बांटा गया, ठीक है, और 8 हिस्से में अलग अलग हिस्से बनाए गए, ठीक है, ये आपको ये मतलब एक लिखा हुआ है और ये बनवाया गया है, और उस समय ये बनवाए किसने, अलग अलग जो राजा थे उस समय के, जैसे जहाँ पे थे, जैसे मान लीजिए अजातशत्रु उस समय के शासक थे वहाँ पर राजगृह में, उन्होंने स्तूप बना लिया, ठीक है, और आपका कुशीनगर में मतलब वहाँ पे जो मल्ल वंश थे उन लोगों ने बनवा दिया, ठीक है, वैशाली में लिच्छवी लोग थे उन्होंने बनवा दिया, तो इस प्रकार 8 गणराज, 8 मतलब राज ऐसे थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के शरीर की धातु को बांट कर स्तूप बनवा दिया। तो आगे चल के स्तूप कहाँ बनवाया जाए इसके लिए 3 शब्द आया है, 3 चीज है, स्तूप कहाँ कहाँ बनवाया जाए। तो पहले ये था शारीरिक, मतलब होता है कि शरीर का कोई भी हिस्से के ऊपर स्तूप बनवाया जाए, ठीक है, ये पहले था शरीर के। तो पहले तो महात्मा बुद्ध से ही शुरुआत हुई, ठीक है, उन्हीं के शरीर मृत्यु के बाद बांटा गया और स्तूप बनवा दिया गया। दूसरा, जब स्तूप बहुत ज्यादा विकास बनने लगे, बहुत ज्यादा, तब ये दिखाया गया पारिभोगी का मतलब होता है कि जो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो कोई भी वस्तु प्रयोग करता था, जैसे मान लीजिए कोई भी दान लेता था, कोई भी चीज उपयोग करता था तो उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था, ठीक है। स्तूप किसी ने देखा है? बुक्स में देखे सर, रियल किसी ने देखा? देखिए स्तूप एक कटोरे की तरह होता है, पहले आपको समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा पहले इसको हम बता देते हैं बनता क्या है। पारिभोगिक का मतलब जैसे मान लीजिए ये मार्कर हम ही ना यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो उनके अनुयायी क्या यूज करते हैं, कोई भिक्षु होता है, ठीक है, वो क्या यूज करेगा, वो अपने साथ जो भी चीज बस मतलब यूज करेगा उसी के ऊपर स्तूप बना दिया जाता था। फिर तीसरा ये हुआ कि उद्देश्य का मतलब होता है कि जिस जिस स्थान पर वो गए, जहां जहां प्रचार करने गए और जहां पर रुक गए, मान लीजिए वो किसी राजा के यहाँ गए और कहीं राजा ने उनके लिए क्या कहते हैं आश्रम बनवा दिया, ठीक है, उसको बिहार बोला जाता है, बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, बिहार बोला जाता, तो वहां भी स्तूप बनाने लगे, जहां भी वो लोग रुके, जहां भी प्रचार करने गए उस स्थान को उन्होंने बहुत शुद्ध कर लिया, मतलब उस स्थान को बहुत हाँ धार्मिक स्थान समझ के वहां स्तूप बना। स्तूप का सीधा बनाने का उद्देश्य है कि उसकी पूजा किया जाए, ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म में हम देखते हैं कि जब अंतिम संस्कार कर देते हैं तो जो बहुत साध व्यक्ति होता है तो उसके कब्रिस्तान लोग चद्दर चढ़ाने जाते हैं ना, तो पूजा करते हैं, उसके घूमते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी अगर कोई व्यक्ति मृत था या वो क्या कहते हैं सामान उपयोग किया या वो कहीं पर भी गया, उद्देश्य क्या कहीं पर भी गया, उस दिशा में हर जगह स्तूप बनवाने लगे। स्तूप का सीधा उद्देश्य था बनवाने का कि वहाँ पर पूजा अर्चना, यानी सीधे धर्म से, जब भी हम पूजा अर्चना की बात करते हैं तो सीधे वो धर्म से संबंधित हो जाता है, ठीक है। आगे चल के अब पहले का जो कॉन्सेप्ट स्तूप का हुआ, फिर परिवर्तन आया, उसमें हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ गया। स्तूप को बनवाने के बाद उसमें क्या कहते हैं, उसके चारों ओर रेलिंग बनाई गई, जैसे स्तूप ऐसे अर्धगोलाकार आकार का होता है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक ये आप क्या कहते हैं चारों ओर एक बाउंड्री जो आप दीवार कहते हैं चारों ओर होती है उसको कहते हैं वेदिका।
वेदिका, और वेदिका में ये दरवाजे होते हैं चारों दिशाओं में, मान के यहाँ है ये दरवाजे यहाँ पे, ठीक है, ये चार दिशाओं में दरवाजे होते हैं, उसको कहते हैं तोरण द्वार। और ये वेदिका यानी दीवार और स्तूप के बीच का जो भाग है उसको कहते हैं प्रतीक्षा। और स्तूप के ऊपर अवशेष जो रखा जाता है वो ऐसा नहीं कि जमीन, मतलब उस जमीन नहीं, स्तूप के ऊपर अवशेष रखा जाता है, स्तूप के हमारी आपका तो यहीं पे गोल आकार कैसे बना के यहां ऊपरी हिस्से में अवशेष रखा जाता है, ठीक है, हाँ, जो भी उपयोग किया हो, जो भी वस्तु है बहुत धर्म से संबंधित वो चीज रखी जाता है, ठीक है, तो उसकी पूजा की जाती है। तो ये जो स्तूप है ये इसी तरीके, अब स्तूप ईंटों का भी बनता था, पत्थरों का भी बनता था, अनेक जैसे राजा की जैसी क्या कहते हैं उनके पास जैसा उस समय का साधन था वैसा ही उन्होंने उपयोग किया। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि व्यापारियों ने भी दान दिया स्तूप बनवाने में, ठीक है, तो ये आपका स्तूप इस प्रकार का बनता है। बहुत फेमस फेमस स्तूप इस समय है, हम आपको उस फेमस स्तूप का नाम बता देते हैं वो कहाँ कहाँ है, और वही क्वेश्चन पे आता है कि वो स्तूप क्यों फेमस है, किसने बनवाया है, ठीक है, हम सबसे प्राचीन से लेके शुरू करते हैं स्तूप कि सबसे पहले स्तूप कहाँ बना। स्तूप सबसे प्राचीन आपका किताब, अभी भी किताब में कहीं कहीं लिखा है बस्ती जिले, ठीक है, लेकिन अब सिद्धार्थ नगर, ठीक है, कि सबसे क्वेश्चन आता है, बहुत पहले क्वेश्चन आता था कि सबसे प्राचीन स्तूप किस जिले में है या सबसे प्राचीन स्तूप का नाम बनाइए, तो पिपराहवा। अच्छा, अब इस स्तूप को किसने बनाया इतिहास में ये दर्ज नहीं है, ये नहीं मालूम है कि किस राजा ने बनवाया, लेकिन एक चीज थोड़ा सा क्लियर मिलता है कि किसके काल में बनाया, ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में बनाया ये मौर्य काल में, और ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ये स्तूप बना, ठीक है। उसके साथ आपका स्तूप धर्म ये क्या कहते हैं, ये सांची का स्तूप, सांची का ही स्तूप क्या कहते हैं, सबसे बृहद अवस्था में और सबसे सुंदर सांची का स्तूप ही है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यहाँ पर तीन स्तूप है, सांची में तीन स्तूप है, एक बहुत बड़ा बड़ा स्तूप यानी इसको पहले को कहते हैं बृहद स्तूप, इसको अशोक ने बनवाया था इस स्तूप, उसके बाद दो छोटे स्तूप है, ठीक है, एक छोटा स्तूप ये भी है और तीसरा और है एक और स्तूप। देखिए जो तीसरा स्तूप है इसमें बड़े स्तूप में ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का कोई अवशेष यहां पर रखा हुआ है, महात्मा बुद्ध का अवशेष इस स्तूप से जुड़ा है ऐसा माना जाता है। और छोटे स्तूप में बौद्ध धर्म के दो अनुयायी थे, ठीक है, उनका नाम था, एक का नाम था महामोह गलायन, और एक और महामूल है, एक और है, उनके अवशेष धातु मैंने शरीर के अवशेष के ऊपर ये स्तूप बना हुआ है। जो सबसे बड़ा स्तूप है वो अशोक ने स्तूप को तो बनवा दिया था, लेकिन उसकी जो रेलिंग है जिसको वेदिका बोलते हैं वो बनाता शुंग काल,
सांची के स्तूप की वेदिका का निर्माण, ये आता है क्वेश्चन। स्तूप तो बनवाया सुख ने, निर्माण ये हुआ सुन का। सांची के स्तूप की सबसे बड़ी विशेषता है उसके चार ध्रुव दरवाजे, ठीक है, जो चार दरवाजे चारों दिशाओं में बनाए गए हैं, ये सबसे प्रसिद्ध है। और इसको बनाया गया है सुन काल में, और व्यापारियों के दान देने, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जब वो विदिशा की यात्रा पर गया था तो किसी व्यापारी की पुत्री से उसने विवाह कर लिया था, और उसका नाम था बैतिस महादेवी, और वहीं के व्यापारियों ने के दान से ही इस स्तूप का नाम हुआ था। इस स्तूप को प्राचीन काल में यहाँ सांची का स्तूप कहते हैं, उसको काकना बोध वाला बोला जाता है। काकना बोध क्वेश्चन कई बार आया। सांची की स्तूप ये प्राचीन काल में काकना बोध कहा जाता है। इस स्तूप की सबसे बड़ी खासियत है इसके चार दरवाजे यानी चार गेट, स्तूप के जो रेलिंग यानी वेदिका है उसके चारों तरफ ये गेट यानी द्वार लगाए गए हैं। इन द्वारों में कला बनाए गए, कई आकृति बनाई गई है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व भी जो उनकी कथा जातक कथाएं हैं उनके बारे में उल्लेख है, उसको चित्रण किया गया है। दूसरा है यहाँ हाथी का चित्रण किया गया है, हाथी और भी नाम है, हाथी, सिंह, हिरण, मोर, इनका इन सभी दरवाजे पर इनका चित्रण बहुत बखूबी किया गया है। और जो पुराणिक क्या कहते हैं देवी देवता जो द्वारपाल जिनको कहा जाता था यक्ष, यक्ष और यक्षिणी, इनकी पूजा भी होती है, इनको द्वारपाल के रूप में माना जाता है कि ये द्वार का रक्षक कर रहे हैं। इनकी भी मूर्तियां बनाई गई वहां पर, मतलब इनकी चित्रकारी भी नहीं वहां, ठीक है, उस चार। तो ये जो बना था ईंट से, जो रेलिंग बनी थी वो बना दी गई थी पत्थर से। तो ये सांची का स्तूप अशोक के काल में बना था, अशोक के ही काल में बहुत फेमस एक स्तूप बना था धर्मराज का स्तूप। ये है सारनाथ में, लेकिन अगर जब आप सारनाथ जाएंगे तो ये स्तूप आपको बहुत ईंटों का ढेर मिलेगा, ऊपर से मिट्टी मिलेगी आपको। ये मुख्य रूप से इस स्तूप को जोड़ दिया गया, ये पहले, ठीक है, धर्मराज का स्तूप। अशोक ने एक और स्तूप, देखिए ये क्वेश्चन बहुत गलत कर आते हैं सामने देखा, हरहुत स्तूप का निर्माण भी अशोक ने कराया था, उसका आगे डेवलपमेंट शुरू का आगे हुआ था, ठीक है, लेकिन नींव रखी थी भरहुत स्तूप, इसकी नींव रखी अशोक ने। अब ये भी स्तूप अपने मौजूद नहीं है, इसका जो रेलिंग है यानी जो क्या कहते हैं इसके चारों दीवार थी वो टूटे हुए खंड के रूप में मिला है, खंडहर के रूप में मिले हुए हैं, और उसी में जो लिखित लिखा हुआ है उसी आधार पर इस स्तूप के बारे में पता चलता है कि इसकी जो रेलिंग थी यानी जो वेदिका थी, वेदिका का निर्माण सुरकार में हुआ। वेदिका का तो भरहुत स्तूप ये भी फेमस है। अशोक ने एक जगह और स्तूप बनाया था, ये तक्षशिला में उनके पुत्र का नाम था गुणाब, ठीक है, तक्षशिला में भी अशोक ने स्तूप बनाया था तक्षशिला।
शिला में अशोक ने बनाया था स्तूप, ये अपने पुत्र कुणाल के नाम में उस वहां पर ये स्तूप बनाया था तत्शिला। इसके बाद जब हम आते हैं सातवाहन ये अमरावती का स्तूप महाराज, ये सातवाहन वंश में बना हुआ था अमरावती का स्तूप, ये बहुत फेमस स्तूप ये भी बना हुआ था। और सातवाहन वंश के बाद एक वंश और था इच्छाकु वंश, नागा अर्जुनी कोंडा का स्तूप ये बना था, क्या कहते हैं ये इच्छाकु वंश की महारानी, उनका नाम नहीं मालूम होता है, एक महिला ने बनवाया था इसको, ये फेमस एक क्वेश्चन आता है, ये इच्छाकु वंश ये गणराज था। उनका रघुवंश इच्छाकु माना जाता है उनका भी, तो ये इच्छाकु ये गणराज था, ये इस समय दक्षिण भारत में ये लोग शासन करते थे इच्छाकु वंश के लोग, ठीक है। तो उन लोगों ने उस समय ये स्तूप बनाया था नागरधनी कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। अमरावती का स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में, उस समय ये महाराष्ट्र में भी अमरावती है, एक सेकंड देखिए, महाराष्ट्र में भी अमरावती का एक स्थान है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में अमरावती है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन ये टोला है ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र और ये नागरी को ना ये आंध्र प्रदेश, हो सकता है अमरावती हो सकता है आंध्र प्रदेश चला, महाराष्ट्र का ही हिस्सा था आंध्र प्रदेश के पुत्तूर जिले में, ये अमरावती आ गया तो अब चला गया होगा, तो हो सकता है अमरावती जो है, वैसे हम आपको बता दें अमरावती तिलक का ये क्षेत्र था, ठीक है, और उस समय वो महाराष्ट्र में आता था, लेकिन अब ये गुंटूर जिला में चला गया, ठीक, क्योंकि स्तूप देखिए बहुत पहले ये बना था, उस समय जब विभाजन जब क्या कहते हैं राज बन रहे थे तो बाद में ये समीकरण बैठ गया होगा, लेकिन पहले अमरावती महाराष्ट्र में जाता है, जब हम तिलक का इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय बम्बई में जाता था, ठीक है। ये नागार्जुन इच्छाकु वंश का, ये इच्छाकु वंश ने मतलब नागार्जुन का स्तूप है। इसके बाद बहुत सारे स्तूप बने, बहुत स्तूप बने, कई लोगों ने बने बनाया गया स्तूप। स्तूप के बाद क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में भी मंदिर निर्माण की कला की तरह, मंदिर की तरह क्या कहते हैं चैत्य गृह मंदिर, ठीक है, जैसे स्तूप को तो खुले प्रांगण में बनाया जाता था, लेकिन जैसे हमारे यहाँ मंदिर बनाया जाता है वैसे ही ये चैत्य गृह बनाए गए, तो ये चैत्य गृह भी कई जगह बने गए, जैसे कावले का चैत्य, ये भी इनका पूजा स्थल ही है स्तूप के, लेकिन
इसका इन्होंने कला के रूप में क्या किया कि स्तूप के ऊपर बरामदा बना दिया, स्तूप छोटा कर दिया और चारों तरफ बरामदा बना दिया और इसको और भी सुसज्जित ढंग से तरीके से इसको सजाने लगे। तो ये आगे चल के क्या हुआ, ये सीधे हिंदू धर्म का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि हिंदू धर्म में जब हम देखते हैं कि आगे चल के जब मंदिर निर्माण करा शुरू हुई थी तो मंदिर जो हमारा बनाया जाता है क्या है गर्भगृह, उसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं आकार के क्या कहते हैं मंदिर आकार का वो बनाते हैं उसको ऊपर टाइप का, ऐसे ही यहाँ भी बनने लगे ठीक है बौद्ध धर्म में। तो एक दूसरे धर्म का प्रभाव उस पर सीधे पड़ने लगा। अब देखिए ये तो आपका है स्तूप, स्तूप के बाद बौद्ध धर्म में ही दो चीज आती है मूर्ति कला में विभाजन ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म में अशोक के बाद यदि शुद्ध वंश आया फिर सातवाहन वंश आया, अब आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश में भी स्तूप बना, कनिष्क ने भी स्तूप बनाया, कनिष्क ने भी स्तूप बनवाया, कनिष्क ने पेशावर में स्तूप बनवाया ठीक है, लेकिन कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास मूर्ति कला इनके काल में बुद्ध और जैन दोनों की मूर्ति बनी, दोनों की मूर्ति बनी। जैन की मूर्ति, जैन की मूर्ति का जो पहचान मिली है वो मिली है मथुरा से, कुषाण वंश में दो प्रकार की मूर्ति मिली, एक गंधार कला और एक मथुरा कला, दो शैली मथुरा शैली और गंधार शैली। देखिए चूंकि उस समय कनिष्क का जो शासन काल था वो मथुरा भी था और गांधार, गांधार समय कहाँ पे पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान में है गांधार, अब अफगानिस्तान में ही चला गया गांधार का क्षेत्र जो है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान को लटा लटा हो, ये आप देखें नक्शे में पेशावर के सटा हुआ ये है, ये क्षेत्र है ठीक है, पेशावर का जो क्षेत्र है पूरा वो अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है ठीक है। तो मथुरा शैली और गंधार शैली, तो अभी भी विद्वानों में ये मतभेद है कि पहले कहाँ बना हुआ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा शैली में पहले मूर्ति बनी थी, कुछ लोग गंधार, तो ये तो अभी विवादित प्रश्न है, इसका तो उत्तर अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि किस शैली में पहले बना, लेकिन दोनों शैली में जो मूर्ति बनी उसमें अंतर है। हम पहले देखते हैं मथुरा शैली, मथुरा शैली में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया, पहला इजाज़ और बौद्ध धर्म की जो चार अवस्था है जैसे उनका गृह त्याग है मान लीजिए घर से निकले वो, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने ज्ञान दिया और महा, तो
ये क्या कहते हैं, ज्यादातर इनकी जो मूर्ति है जो मथुरा शहर में, वो उनको ज्ञान प्राप्त करते हुए और ज्ञान देते हुए बनती है। ज्यादातर ज्ञान प्राप्त करते और ज्ञान देते हुए, ज्ञान प्राप्त जिसको कहते हैं संबोधि, इसमें भी सब ध्यान रखिएगा, जब महात्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको एक शब्द कहा गया था संबोधि, और जब उन्होंने ज्ञान दिया था तब उसको क्या कहते थे, धर्म चक्र। इसलिए किसने क्वेश्चन पूछा था, कि क्वेश्चन आया था आज, है ना, तो इसको उत्तर ये है कि जो उस आकार को धर्म चक्र आकार ही कहते हैं, कि जिस जैसे आप सारनाथ जाएंगे तो महात्मा बुद्ध की आप लोग तो गए नहीं है, लेकिन वहाँ अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वो पांच ब्राह्मणों को उसी समय वो ज्ञान भी दे रहे हैं जैसे उस अवस्था में बैठे हैं। तो वो जो जिस अवस्था में उनको बैठे हुए दिखाया गया है उसी शैली में मूर्ति बनना शुरू हो गई थी, और उसको बाद में सारनाथ बनाया गया, वो तो कलाकारों ने बाद बनाया, मथुरा शैली में वो पहले ही वो उस तरह की मूर्ति कलाकारों ने बना दी थी। तो ये ज्ञान देते हुए जिसको क्वेश्चन दिया है, धर्मचक्र कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन पूरा शब्द है, लेकिन मूर्ति का जो आकार है यानी ज्ञान देते हुए मूर्ति को क्या कहते हैं, किस बनावट की थी, धर्मचक्र, ठीक है। तीसरा, मथुरा शैली में जो मूर्ति बनाई गई है इनको जैसे उपवास अवस्था में, मतलब ऐसा दिखाया गया है कि इन्होंने बिल्कुल अनाज ग्रहण नहीं किया, इनको हड्डी पसली सब उनको दिखा दिया गया, पूरा इनका पूरा कंकाल के रूप में आप समझ सकते हैं, कंकाल के रूप में उस मूर्ति को बनाया गया है, कंकाल के रूप में, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये एकदम तपस्या कर रहे हैं एकदम उस तरीके से। तीसरा, अब गांधार शैली में आप देखते हैं ये स्लेटी कलर है, ठीक है, स्लेटी कलर में मूर्ति बनाई गई है, इनकी भी मूर्ति इसमें बनी हुई है, मतलब ज्ञान ले तो ये भी बनाई गई है, लेकिन ज्यादातर मूर्तियों में ज्यादातर अधिकतर हम ये नहीं कहते कि यहाँ जूता नहीं पहनाते दिखाया गया, ज्यादातर यहाँ जूता पहनाते हुए दिखाया गया, जूता पहने हुए मूर्ति बनाई गई। बाल को अधिकतर घुंघराले के रूप में का चित्रण किया गया है, गांधार शैली, और दोनों शैली कनिष्क के काल में ही यानी कुषाण वंश के काल में ही ये मूर्ति बनी थी, ठीक है, गांधार शैली और मथुरा शैली ये दोनों, और तभी से महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति कला है उसका क्या कहते हैं विकास। देखिए मानव मूर्ति वास्तव में अगर वैसे ये आता है क्वेश्चन के सबसे प्राचीन मूर्ति, ठीक है, सबसे प्राचीन मूर्ति वैसे नंद वंश का उल्लेख मिलता है, नंद वंश का एक शासक था महापदनंद, हम लोग देखिए क्वेश्चन को भी ध्यान देना है, ये नहीं कर सोचना कि सिर्फ यही पे बने, हम बुद्ध की मूर्ति तो कह रहे हैं ठीक है बनी है, जैन की मूर्ति, लेकिन महापदनंद ने एक जिन की मूर्ति लेकर वो चले आए थे, क्या कहते हैं जिन की मूर्ति, जिन का मतलब हुआ महाराज, मतलब कि जैन धर्म, जैन धर्म का कोई अन्याय होगा, खारवेल वंश में गए थे वहां से जिन की एक मूर्ति लेकर चले आए थे माँ, तो कहने का मतलब है कि देखिए नंद वंश कुषाण वंश से पहले तो मूर्ति तो पहले भी जिनकी बन चुकी है, ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी की मूर्ति हम कह रहे हैं, महावीर स्वामी की मूर्ति ही कुषाण वंश से बनी है, इसको हमारी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जिनकी मूर्ति का क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति की मूर्ति, तो उससे पहले का उल्लेख हमको ना क्या कहते हैं नंद वंश में हो जाता है, ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मूर्ति ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये कुषाण वंश में ही पहली बार, ठीक है।
तो ये आपका आज हम इतना ही रहते हैं, बाकी आपसे क्वेश्चन है वो आपसे लेके आए हैं कि आप लोग इसको थोड़ा बंद है आज, आगे की सीट खाली है, क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं। जैन परंपरा में नैमिनाथ का संबंध किस देवता से माना जाता है? जैन परंपरा के तीर्थंकर नैमिनाथ का संबंध किस देवता से माना जाता है? ए कृष्ण, बी परशुराम, सी शिव, डी ब्रह्मा। जैन परंपरा के तीर्थंकर नेमिनाथ का संबंध किस देवता से माना जाता है? चलिए एक के लोग कहते हैं बी परशुराम, सी शिव, डी ब्रह्मा। सभी लोग दे देते हैं तो इसका सब उत्तर यही है कृष्ण। नेमिनाथ देखिए 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, नेमिनाथ। इसीलिए जैन धर्म ये कहता है कि हम भी उतने ही प्राचीन हैं जितना हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, इसीलिए वो अपने साक्ष में कहते हैं क्योंकि लिखा हुआ है नेमिनाथ को कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण से संबंधित हो जाता है। अष्टमी हाँ नेमिनाथ या अश्विनी दोनों का नाम है क्या? हाँ इसीलिए कह रहा हूँ नेमिनाथ या अश्विनी, उनका उनका ही नाम नेमिनाथ वही नाम है। आप देखिए आपने सही कहा अर्षनेमी जो है उनका भी एक अन्य नाम है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था नेमी नाम नाम। बौद्ध धर्म की एक परंपरा महासांगिक की उत्पत्ति किस जगह हुई थी? तो आपको बताना है इसको लिखने के लिए महासांगिक की उत्पत्ति किस जगह होती है? एक राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंतला। बौद्ध धर्म की एक शाखा महासांगिक की उत्पत्ति इनमें से किस स्थान पे हुई? ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, डी कुंडल। तो एक कितने लोग कहते हैं राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी कुंडल। बी ही सही वैशाली में। देखिए हमने बताया था वैशाली में ही क्या कहते हैं धर्म विचार करने के लिए मतभेद। देखिए बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का कई जगह विभाजन, राजगृह में जब पहले ऐसा हुआ था तो इनके किताब दो भाग में मिले थे, और जब वैशाली में जब दूसरा सम्मेलन बुलाया गया, ये सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान है उनका क्या कहते हैं प्रचार प्रसार किया जाए, तो वैशाली में जो धर्म प्रचारक थे आपस में ही मतभेद कर रहे थे, कुछ लोग सोचे कि खा पी कर सो कर यानी आराम करके ही प्रचार किया जाए, कुछ लोग कहते थे नहीं क्या कहते हैं हमको दान नहीं लेना है, हमको सोने का दान नहीं लेना है, हमको खान जब तक प्रचार करेंगे कुछ खाएंगे नहीं, हम नहीं डालेंगे। तो इस बात को लेकर मतभेद हो गए और दो भाग हो गए, महासंघ को कहते हैं और तीसरा पाटलिपुत्र में
विचारक मतभेद हो गए थे। भागवत धर्म का पहला ज्ञात अनुयायी कौन था? हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार,
सारी सब का स्नान का और मोहन रुद्रों का इन चारों में से आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ी इमारत कौन है सिंधु घाटी सरकार। चलिए ए कितने लोग कहते हैं अन्ना का, बी स्नानागार, सी गोदीवाड़ा और डी सभावन। इसका आंसर होगा सी गोदीवाड़ा। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई से पापी मार्ग को बड़े थे अन्ना का पड़ा था, लेकिन जो गोदीवाड़ा का मतलब हो गया क्या बंदरगाह, ये सबसे बड़ा ठीक है, ये लोथल में पाया गया। ये देखिए बहुत ध्यान देना है जानते हुए भी ठीक है, ये इसका आकार बहुत बड़ा था 223